नमस्कार दोस्तों, अगर आप फार्मा डिवीजन में इंटरेस्टेड हैं, फार्मा क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं और आपको ऐसे अनुभव की ज़रूरत है कि हम कैसे अपने प्रोडक्ट की शुरुआत करें बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालें, या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना उचित है या मार्केटेड बाई प्रोडक्ट, क्या हमको दोनों में बेस्ट क्वालिटी मिल सकती है, दोनों की लागत क्या आएगी और कौन कौन से लाइसेंस की जरूरत होगी, किस अगर हम मार्केटेड बाय प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो किस कंपनी से बनवाएं, कंपनी का की क्या कॉन्टैक्ट नंबर है, हम अपने प्रोडक्ट का ब्रांड नेम कैसे रखें, हम कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करें जो कि मार्केट में धूम मचा देगा, और क्या हम एक प्रोडक्ट से अपने प्रोडक्ट की शुरुआत कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन का सवालों का जवाब हम आपको देंगे, बहुत सारे सवालों का जवाब देंगे। दोस्तों मैं ये भी बताऊंगा कि हमने अपनी फार्मा कंपनी कैसे लॉन्च की, कितने प्रोडक्ट से लॉन्च की और उसकी बेस्ट क्वालिटी कैसे है। मैं किसी दूसरे का एक्सपीरियंस नहीं बताऊँगा, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूँगा, विश्वास मानिए दोस्तों। और ये भी बताऊंगा कि आप अपना ब्रांड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे बनवाएं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनवाने में कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं, कितने कॉस्ट आते हैं, एक प्रोडक्ट को हम कितनी क्वालिटी में कैसे दे सकते हैं, और कितना हम प्रोडक्ट हमको बनवाना पड़ेगा, कितना कॉस्ट आएगा, कितना प्रॉफिट आएगा, और उसके बाद हम इसको मार्केट में कैसे प्रेजेंट करें, सब कुछ शेयर करेंगे। बस अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो दोस्तों आप लास्ट तक बने रहिएगा, और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भविष्य में कभी भी आप फार्मा क्षेत्र में इंटरेस्टेड होना और उसकी जानकारी आपको चाहिए तो ए टू जेड जानकारी मैं दूंगा। फार्मा क्षेत्र का दोस्तों 1990 और 2023 चल रहा, 33 साल का मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, मार्केट से लेकर के प्रोडक्ट बनवाने तक का, कंपनी लॉन्च करने तक का और उसे बेचने तक का दोस्तों सारा एक्सपीरियंस हमारे पास है और आपसे शेयर करेंगे। और दोस्तों मैं फेल नहीं होने दूंगा आपका, और एक पैसा भी नहीं वेस्ट जाएगा। रियल जानकारी चाहिए तो हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल पर टोटल रियल जानकारी होती है, रियल जानकारी होते हैं। तो चलिए मित्रों जानते हैं आपको फार्मा क्षेत्र में, आपके पास अगर बजट कम है, मित्रों शुरू से बात करते हैं, अगर आपके पास बजट कम है, बजट के मतलब क्या, अगर आप 20-25 हज़ार में अपने एक प्रोडक्ट से फार्मा क्षेत्र में करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, वो भी बिना फ्लॉप हुए तो भी बताएंगे कौन सा प्रोडक्ट। जैसे दोस्तों आपको एक मार्केट का सर्वे करना होगा, किस टाइप का प्रोडक्ट अपने आप बिकता है। अगर आप नए नए मार्केट में उतर रहे हैं, फार्मा क्षेत्र में नए, एकदम बिल्कुल नए हैं, अगर आप फार्मा क्षेत्र में तो भी आप मेडिकल चलाते हैं या कहीं पे कोई जॉब करते हैं फार्मा क्षेत्र से, तो दोस्तों आज आपको पता होगा हमें वो प्रोडक्ट लेके चुनना होता है कि जिसको लोग अपने आप मांग के लें। तो इसके लिए आज हमारा जो पूरा युवा वर्ग है या वैसे भी जो वर्ग हैं, सब लोग अपने हेल्थ के प्रति जागरूक हो गए, तो उन्हें एक ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड रहती है जो कि बिना डॉक्टरी सलाह के वो ले सकते हैं और जाके मेडिकल पे मांगते हैं भी, भैया हमें ये दवा दे दो। इसमें क्या है, एक तो ये है मल्टीविटामिन सिरप, एक भूख लगने का सिरप, एक ताकत के कैप्सूल, ताकत के टैबलेट, ताकत के जो है पाउडर, ये सारे चीजें लोग चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो चाहे जो है, सब लोग अपने आप मांग के लेते हैं और मेडिकल वाले अपने आप बेचते भी हैं, और मेडिकल वाले वही देते हैं जिसमें उनका सबसे ज्यादा फायदा होता है, यानी कि फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट। तो दोस्तों हम ये चाहेंगे कि आप पहले आयुर्वेद से शुरू करिए, तो आज हम आयुर्वेद पे चर्चा करेंगे जिसमें आपको नाम मात्र लाइसेंस लेने की कोई जरूरत नहीं, शुरुआती तौर में अभी आप प्रोडक्ट बनवाइए, बनवाने के बाद आप बेचना शुरू कर दीजिए। जब आपको लगे नहीं मेरी फील्ड में पकड़ धीरे धीरे हो रही है, कोई जरूरी नहीं शुरू में सारी चीजें आप ले लो, प्राइवेट लिमिटेड करवा लो, प्रोडक्ट ट्रेडमार्क करवा लो, सब कुछ करवा लो, कोई जरूरत नहीं, आप पहले शुरुआत करें। हाँ सब कुछ करवा सकते हो, आप अगर कॉन्फिडेंस हो नहीं मैं इसी में ही करियर बनाऊंगा चाहे जो हो जाए, तो ये काम कर लेना।
पहले प्रोडक्ट एक ट्रेडमार्क करवा लेना। तो प्रोडक्ट ट्रेडमार्क के लिए आपको एक कोई नाम चॉइस करना होगा, एक अच्छा सा नाम चॉइस कर लीजिए। नाम चॉइस करने के बाद उसका ट्रेडमार्क करवाना पड़ता है। सबसे पहले हम जानकारी डाल देते हैं, प्रकाश डाल देते हैं आपको क्या क्या कागज लगता है आपको अच्छे ढंग से करने में, तो उस कागजात में क्या खर्चे आएंगे, लेकिन वही को हम आपको फाट करने बताएंगे, कोई कागज नहीं लेना पड़ेगा। दोस्तों आपको क्या है जरूरत क्या पड़ेगी पेपर की, अगर आप बड़े स्तर पे करेंगे तो, छोटे स्तर पे करेंगे तो रियलिटी में जो जरूरत होगी, लेकिन हम इसी को शॉर्टकट में आपको बताएंगे कि बिना कागज के भी कर सकते हैं। पहला आपको लेना पड़ेगा दोस्तों जीएसटी रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई यानी उद्योग रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, एफएसआई अगर फूड प्रोडक्ट है तो आपको एफएसआई रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ब्रांड नेम प्लस लोगो ये मेन होता है, आपके अपने प्रोडक्ट का एक नाम रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, जो भी आप ब्रांड जो आप जिससे आपकी पहचान होगी, तो ब्रांड नेम आप अपना कर सकते हैं। उसके बाद एक लोगो डिजाइन आप खुद कर लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने कोई नाम रख लिया, कुछ अच्छा सा नाम स्टैंडर्ड रख लिया, तो यस से लोगो आप अपना खुद बना सकते हैं या किसी से, तो फिर इस लोगों को मैच करके आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ता है। जैसे नाम और लोगों का पूरे इंडिया में कोई और नहीं रख सकता है, यही होता है इसका जो है ब्रांडिंग करने का। 10 साल के लिए रजिस्ट्रेशन होता है, 10 साल के बाद रिन्यूअल होता है। और दोस्तों क्या होता है कंपनी रजिस्ट्रेशन, कंपनियां 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट लिमिटेड, LLP एंड OPC, तीनों में से किसी भी एक कैटेगरी में आप करवा सकते हैं। उसके बाद आपको एक करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा जिससे आप कंपनी को चेक वगैरह देंगे। फिर आपको क्या है एक ऑफिस दिखाना पड़ेगा जहां पे आपका माल बनकर आएगा, आपका माल बनकर आएगा, उसमें आप एक अपने शॉप का कोई भी नाम रख सकते हैं। अब उसको ऑफिस का आपको मेंटेनेंस रखना पड़ेगा, ऑफिस की तरह आप उसको डिजाइन अपने ढंग से कितने पैसे में करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। अब उसमें आपको क्या रिक्वायरमेंट होगी, एक लैपटॉप, एक प्रिंटर की जरूरत होगी। आप लैपटॉप देखिए दोस्तों अब ऑनलाइन सब सिस्टम हो गया है, तो लैपटॉप लेना पड़ेगा, जो आपका माल बन के आ रहा है उसको आप उसमें फिटिंग करेंगे, फिर उस माल को किसी को बेचते हैं तो आपको पक्का बिल देने से थोड़ा सा ज्यादा फायदा आता है। कंप्यूटराइज अब हाथ से देंगे वो थोड़ा सा इंप्रेशन कम पड़ता है, तो इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आपको क्या लेना पड़ेगा, एक लैपटॉप, प्रिंटर या डेस्कटॉप कुछ भी ली। अब उसी में एक बिलिंग सॉफ्टवेयर होता है, बिलिंग सॉफ्टवेयर डलवाना पड़ता है जिससे बिल निकलता है जीएसटी वाला। और क्या दोस्तों अब यहीं पे ध्यान देना है, कुछ टाइप ऑफ बिजनेस के रूल्स होते हैं, जैसे बेस्ट क्वालिटी, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट पैकिंग, नो कंप्रोमाइज प्रोडक्ट क्वालिटी, ये तीन चीजें आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ये चीजें अभी हम बताते हैं। अब उसके बाद दोस्तों पैकिंग के कुछ रूल भी होते हैं, आप देखते होंगे खरीदते जाते होंगे कोई भी दवा, उस पर बैच नंबर पड़ा होता है, उसका वजन होता है, उसकी MRP होती है, एक्सपायरी होती है, और उसको मार्केटेड बाई कौन कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग बाई कौन कर रहा है, ये सारी चीजें आप उस पर मेंशन होगा। उसके बाद दोस्तों रॉ मटेरियल, अब आपको ये देखना है जो आप प्रोडक्ट बनवा रहे हैं उसका रॉ मटेरियल क्या है, रॉ मटेरियल हमेशा बेस्ट क्वालिटी का डलवाइएगा। टाइप्स ऑफ सेल्स, बेचने की क्या तरीके हैं, ऑफलाइन आप बेच सकते हैं, ऑनलाइन बेच सकते हैं, अब आपको सिर्फ सेल्फ टीम तैयार करना पड़ेगा या अपने ऐप को भी डाउनलोड करके, अपने ऐप को भी लॉन्चिंग करके अपने ऐप पर भी बेच सकते हैं, लेकिन ये सब में फिर कॉस्ट बढ़ जाएगा। उसके बाद एक आपको एक्सपीरियंस टीम तैयार करना पड़ेगा, सेल्फ एक्सपीरियंस टीम, सेल्फ एक्सपीरियंस टीम आपको तैयार करना पड़ेगा जिसके पास बेस्ट क्वालिटी का अनुभव है। अब उसके बाद प्रोडक्ट कैटेगरी, आपको प्रोडक्ट कई लॉन्च करना चाहते हैं, कितना आपके पास बजट है, ये सारे कागजात आप लोगों ने देख लिया दोस्तों, यही सारे कागजात की जरूरत पड़ के है, इसके एक्स्ट्रा कुछ नहीं, ये तो सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूं। और मैं जब इस क्षेत्र में उतरा था तो दोस्तों तब तो ना तो मेरे पास मोबाइल था, मेरे पास एक छोटा सा कीपैड था, और 1990 में मोबाइल वोबाइल तो कुछ थी ही नहीं और कोई जानकारी कहीं से नहीं मिल सकती थी। लेकिन मेरे दिमाग में एक विचार आया था, एक बार जब मैं 6th क्लास में पढ़ रहा था तो मैं स्नान कर रहा था, मेरे हाथ में लाइव बॉय आया, मैं लाइव बॉय से स्नान कर रहा था, उस समय इतनी बड़ी सी बट्टी 2 रुपए में मिलती थी, तो भैया मेरे साथ थे, तो उस लाइव बॉय पे जब हमने देखा ये लगा रहे हैं तो मेरे दिमाग में विचार आया कि ये साबुन कौन बनाया, भैया ने कहा ये साबुन जिसने भी बनाया हम भी नहीं जानते हैं, तो हम कहा साबुन हम लगा रहे हैं कहाँ से, हम खरीद रहे हैं, क्या उसको फायदा होता होगा, उसने कहा हाँ, भैया ने कहा हाँ वो भाई फायदा होता होगा,
उनको फायदा हो ही रहा है, यूज हम कर रहे हैं फायदा, तो मेरे दिमाग में विचार आया कोई सामान बना लो और फिर बेचो, जितने बिकता रहेगा हम बैठे सोते रहे पैसा आता रहेगा। अब बताइए छठवें में मैं था तब मेरे दिमाग में ऐसा विचार आया था, और ये प्रेजेंट कब हुआ 1990 में, धीरे धीरे इस तरफ हमारे, मतलब जो ब्रह्मांड कहा गया ना वो ब्रह्मांड में जो लिखा है आपके कदम ऑटोमेटिक उसी तरफ बढ़ते जाते हैं, धीरे धीरे मेरा उसी क्षेत्र में इंटरेस्टेड होता गया, उसी क्षेत्र में। मेरे घर में जो है बड़े भाई साहब डॉक्टर थे, तो फिर हम क्लिनिक पे जब पढ़ के आते थे खाली समय में बैठा करते थे, मरीज को देखा करते, तो यानी का अनुभव होता गया सीधे। लेकिन इस क्षेत्र में हमें नहीं पता था प्रोडक्ट कहाँ से बनवाना है, कैसे बनवाना, कहाँ से बनवाना कैसे बनवाना है। फिर मेरे पास एक सिम्स या मिम्स किताब आती है दोस्तों, उस किताब में हमने कंपनी का एड्रेस देगा, वहां पे था थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कॉन्टेक्ट करें, तो हमने वहीं से देखकर डायरेक्ट उस कंपनी में पहुंच गए, डायरेक्ट उस कंपनी हम हिमाचल प्रदेश पहुंच गए। फिर उसके बाद जब वहां घुसे तो कैसे बात करें क्या करें, कुछ अनुभव था ही नहीं, घुस गए हम कहे भाई जैसे होगा बात करेंगे, बात करते करते पता चला ऐसे सारी चीजें। तो दोस्तों वो तो हमको एक्सपीरियंस बाद में हुआ, एक दो बार प्रोडक्ट हमको ऐसी कंपनी से बनवाना पड़ा, फिर हम कहे नहीं इसके साथ हम कंप्रोमाइज, फिर हमने खोजना शुरू किया WHO GMP सर्टिफाइड कौन है, फिर हमने WHO GMP सर्टिफाइड के बारे में पता किया, और फिर उस प्रोडक्ट को बनवाने के लिए हम वहां पे गए। और उस समय जब प्रैक्टिस में सबसे बढ़िया ओफ्लॉक्सासिन टैबलेट चल रही थी, ब्रांडेड कंपनी जेनोसिन चल रही थी, उस समय जेनोसिन चल रही थी, ओफ्लॉक्सासिन इसका फार्मूला होता है दोस्तों 200 mg का, जेनोसिन उस समय टॉप पे चल रही थी, उस समय उसका एक टैबलेट की कीमत 25 रुपए थी। तो हमने वो टैबलेट पूरा पत्ता लेके गया, हमने कहा हमको ओफ्लॉक्सासिन बनवाना है और हमको यही क्वालिटी चाहिए, जो इनकी में क्वालिटी है हम क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, क्या रेट पड़ेगा। हमने वो दिया, उसने कहा ठीक है भाई आपको यही क्वालिटी मिलेगी, सेम क्वालिटी मिलेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तब हमें नहीं पता चला तो वहां पे दो राज खुल के आया, अगर आप यही क्वालिटी लेना चाहते हैं जैसे बना बनाया 200 mg, अगर आप बना बनाया 200 mg होगा तो इसमें एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल डालना पड़ेगा। तो सरकार का एक रूल होता था, शायद होता है कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है तो 20% अप 20% डाउन हो सकता है, जैसे आप 500 mg का टैबलेट लॉन्च कर रहे हैं तो 4 mg भी होगा तो भी पास माना जाएगा, और 520 होगा तो भी पास माना जाएगा, यानी 20% अप डाउन होता है। तो हमने कहा कि अगर हम 500 हमको राइट चाहिए, 200 mg राइट चाहिए, तो 200 mg राइट लेने के लिए आपको 220 mg उसमें रॉ मटेरियल पड़ेगा, तब वो 200 mg आएगा, तो इसके लिए कुछ कास्ट आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। एक्स्ट्रा का मतलब जो 100 रुपए डब्बा बन रहा है वो आपका 110 रुपए डब्बा बनेगा, बस। हमने कहा बस कहने बस, तो हमको हमको राइट चाहिए। तो दोस्तों ये सब क्वालिटी नॉलेज हुआ अपने, तो आपको हम जो आज प्रोडक्ट बनाने वाले बताने वाले उस पर चलते हैं। आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों, अगर आप फार्मा क्षेत्र में जा रहे हैं तो आप शुरुआत करिए आयुर्वेद से, एक प्रोडक्ट ले लीजिए इस समय जो अपने आप लोग लेते भी हैं, इसका टैबलेट भी बिकता है, इसका टैबलेट भी बिकता है, कैप्सूल भी बिकता है, और इसका पाउडर भी बिकता है, वो है अश्वगंधा का। तो दोस्तों अश्वगंधा आप पाउडर बनवाइए या कैप्सूल या टैबलेट बनवा करके आप अपने करियर की शुरुआत करिए। इसकी एक्सपायरी दोस्तों 3 साल होती है, 3 साल होती है। आप चाहे 500 डिब्बा बनवाइए चाहे 200 डिब्बा बनवाइए, लेकिन 200 डिब्बा से कम नहीं बनेगा। ये भी जान लीजिए अगर 500 डिब्बा आप बनवाते तो सस्ता थोड़ा सा पड़ता है, 200 डिब्बा महंगा पड़ेगा, 1000 डिब्बा बनवाएंगे तो और सस्ता पड़ेगा, 5000 डिब्बा बनवाएंगे तो 2-4%, यानी कि 2-3% का डिफरेंट आता जाता रहे, 2-3% डिफरेंट आता जाता रहेगा। तो आपको 200 डिब्बे शुरुआत करिए या 500 डिब्बे से, लेकिन दोस्तों 3 साल एक्सपायरी आराम से बेचेंगे। तो आपको क्या करना है, अब अश्वगंधा कैप्सूल आप बनवाइए, तो अश्वगंधा कैप्सूल बनवाने के लिए आपको एक ब्रांड नेम ले लीजिएगा, बस ब्रांड नेम, एक ब्रांड नेम चॉइस कर लीजिए, इसका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवा लीजिए। अगर आपको वास्तव में इसमें करियर ही बनाना है और कुछ नहीं करना, इसका आप ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवा लीजिए, जो 8-10 हजार रुपया लगेगा। पहले उसके लिए आपको एक नाम चॉइस करना है, उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर लेना है, और एक आपको जीएसटी नंबर, बस दो चीजें चाहिए। जीएसटी नंबर में तो कोई पैसा लगना नहीं है, जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए। अगर ऑनलाइन आप नहीं कर सकते हैं तो जो सेल टैक्स में एडवोकेट होते हैं
उनके माध्यम से आप अप्लाई कर दीजिए। दोस्तों फिलटेक्स में एडवोकेट होते हैं, उनके माध्यम से अप्लाई कर लीजिए। अब उसके लिए आपको जो भी चार्ज करें, 1,500, 2,000, 1,500, जो भी हो, जैसे उनसे आपका रिलेशनशिप हो, बस यही दो पैसे लगेंगे आपको, रजिस्ट्रेशन ही हो गया और ये ब्रांड नेम, बाकी कुछ नहीं लीजिए। बाकी आप अपने घर से शुरू कर दीजिए। आपके पास लैपटॉप है तो एक प्रिंटर ले लीजिए, प्रिंटर और एक बिलिंग सॉफ्टवेयर आपको डलवाना पड़ेगा, बिलिंग सॉफ्टवेयर, या तो फिर बिलिंग सॉफ्टवेयर आप वैसे भी कोई ऐप आते हैं, ये सब तमाम ऐप आ रहे हैं, अभी इसी से आप काम चला सकते हैं, ये करना है। अब आप शुरुआत, अगर आपके पास कुछ पैसे, अब आप जान गए ज्यादा पैसे लगा नहीं, अब आपको और कुछ नहीं करना है, ये रॉ मटेरियल, एक्सपायरी, मार्केटिंग, ये मैन्युफैक्चर कंपनियों का काम है। अब आपको एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास पहुंच जाना है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपको ढूंढने के लिए गूगल पे चले जाइए, वहां पे डालिए थर्ड पार्टी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो दोस्तों बहुत सारी कंपनियों के लिस्ट आ जाए। कंपनी नेम तो मैं प्रोवाइड आपको कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें कुछ लोग ये कहते हैं भैया इनसे इनका कमीशन सेट है, इसीलिए ये मोटिवेट करके हम लोगों को भेजते हैं। तो दोस्तों सब कुछ आप खुद कर सकते हैं, गूगल पे जाएंगे तो पूरा लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। किसी भी एक कंपनी पे आप डिटेल पर जाइए, कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे पड़ा है, चाहे घर से बात करिए, लेकिन वहाँ पे घर से बात करके डील मत करिएगा। अगर आपको वास्तव में लॉन्ची करना है तो आप डायरेक्ट कंपनी विजिट करिए, उनसे पास जाइए, मिलिए, देखिए कंपनी, देखिए आपका इससे एक्सपीरियंस बनेगा। तो वहाँ जाने के बाद बताइए कि मुझको अश्वगंधा कैप्सूल बनवाना है, कैसे पैकिंग में, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको और मेहनत करना पड़ेगा। तो जैसे आप सर्वे कर लीजिए, अश्वगंधा कैप्सूल आप जाके किसी भी मेडिकल स्टोर पे मांगिए, भैया अश्वगंधा कैप्सूल दे दीजिए। अब आप किस एरिया से है तो आपके एरिया में किस कंपनी का सबसे ज्यादा पॉपुलर है, बिकता है, तो आपको पता होगा, तो उस कंपनी का आप अश्वगंधा देख लीजिए, इनका पैकिंग वर्किंग कैसे है। वही एक स्टिप, एक डिब्बा लेके आप चले जाइए, वही एक डिब्बा लेके आप चले जाइए, भैया यही पैकिंग में हमको चाहिए, तो उसी में कुछ कलर वलर डिफरेंट करके आपको बनाए, चूंकि सेम नहीं बना सकते हैं, तो कलर वलर चेंज करके वो आपको डिजाइन करके फर्स्ट क्लास दे देंगे, कि आप उसे बताना भैया पैकिंग मटेरियल के साथ हमको कोई वर्ल्ड क्लास की हमको पैकिंग चाहिए, क्वालिटी हमको बेस्ट चाहिए, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं है, क्वालिटी हमको 100% लाइव टेस्ट रिपोर्ट चाहिए, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है, ये सारी चीजें फिर डील कर लीजिए। तो वहां से आपको क्वेश्चन किया, प्रश्न होगा आपके सामने कि कितना डिब्बा आप बनवाना चाहते हैं, उनसे बताइए कि मैं अभी शुरुआत कर रहा हूं, मुझे 500 डिब्बा बनवाना है, 200 डिब्बा बनवाना है, जितना आपके पास बजट है उतना आप बनवा लीजिए, 200 डिब्बा बनवा लीजिए। तो एक बार आपको वहां पर चार्ज किया जाता है, सिलेंडर का चार्ज होता है 5-6 हजार होता है, वन टाइम होता है। अब उसके बाद आपके उनकी कंपनी में सिलेंडर आपके नाम का बन गया, हमेशा आप जब भी जाएंगे दोबारा चार्ज नहीं लगता है, एक बार का एक कास्ट आपको लगता है सिलेंडर चार्ज। तो दोस्तों वहां से आप इस ढंग से अपने प्रोडक्ट को आप बनवा सकते हैं, 500 बॉक्स बनवाइए, बनवाने के बाद लाइए। अब इसमें देख रहे हैं ये सारी चीजें, ये कुछ वो खुद मेंशन कर देंगे। अब जिस दिन आपके उनकी डील हो जाएगी, जिस दिन आपने उनके साथ डील कर लिया, उसके 20 से 25 दिन के बाद प्रोडक्ट बन के आपके इस एड्रेस पर आ जाएगा, जो एड्रेस आप उस पर डलवाए हैं। अब उस पर आपको एक एड्रेस डलवाना पड़ेगा, एड्रेस चाहे किसी दुकान लेकर के वहां का आप डाल दीजिए, या आप अपने घर का एड्रेस डाल दीजिए, तो घर पे आपको आ जाएगा। तो वहां पर आपको क्या जरूरत हुई, एक ब्रांड नेम की और एक रजिस्टर्ड जीएसटी नंबर की, बस और कुछ जरूरत नहीं। तो प्रोडक्ट बन के आ गया। अब अगर आपके पास बजट नहीं, तो इस प्रोडक्ट को आप खुद जाइए मार्केट में बेचिए, इसको आप मेडिकल स्टोर पे बेच सकते हैं, जनरल स्टोर पे बेच सकते हैं, वैसे लोगों के पास जा जाके आप बेच सकते हैं, निजी प्रैक्टिशनर के पास आप बेच सकते हैं, अभी आपके पास वो नहीं है। तो जब सब कुछ और हो जाएगा, तो इसको ऑनलाइन भी बेचिए, ऑफलाइन भी बेचिए, और एक सेल्फ टीम तैयार कर लीजिए। लेकिन एक प्रोडक्ट के लिए आप सेल्फ टीम तैयार करेंगे तो आपके खर्चे ज्यादा आ जाएंगे। जब आप सेल्फ टीम तैयार करके बेचना हो, पूरा कंपनी लेवल पे आपको बेचना हो, तो दोस्तों 5-6 प्रोडक्ट आपको लॉन्च करना पड़ेगा। एक अश्वगंधा पाउडर ले लीजिए, आपको इसी टाइप में कायम चूट टाइप में स्मिथ ले लीजिए, कब्ज के लिए ले लीजिए, एसिडिटी के लिए ले लीजिएगा, मल्टीविटामिन ले लीजिएगा, इस टाइप के 5-6 प्रोडक्ट ले लीजिए। लेकिन आयुर्वेद से आप शुरुआत करेंगे
तो दोस्तों आप ऐसे बिना कागजात के कर सकते हैं, अपनी कंपनी की शुरू करें, कुछ नहीं, एकदम इजी सा, सिंपल सा है। सिर्फ सिर्फ आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। आप आगे बढ़िए और अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं करिए। कहीं पे कुछ भी हेल्प की जरूरत हुई तो आप हमसे पूछिए दोस्तों, हम आपको एक एक जानकारी दे देंगे, एक एक जानकारी दे देंगे, जो कहेंगे वो प्रोवाइड कर देंगे, जैसे कहेंगे। लेकिन आप लॉन्च करिए तो टोटल हमसे जानकारी लेते रहिए। इसके लिए हमसे जुड़े रहिए, आप हमें चैनल सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।